नमस्कार, मैं आपका अपना सुमित कुमार और आप देख रहे हैं देसी भाईचारा न्यूज चैनल सबकी बात सच के साथ। साथियों, फिलहाल मैं मौजूद हूँ बवानी खेड़ा हल्के गांव धनाना में, और गांव धनाना एक बहुत बड़ा गांव है। और आज बवानी खेड़ा जो कांग्रेस के प्रत्याशी है प्रदीप नरवाल, उसके समर्थन में भाई दीपेंद्र हुड्डा ने वोटों की अपील की, एक रैली का आयोजन किया गया था। तो यहाँ पर काफी समर्थक आए हुए, तो बातचीत करवाएं तो बने रहे हमारे साथ। राम राम बोल भाई, ठीक हो? बिल्कुल ठीक। रैली में आए थे, कैसा माहौल लग गया? रैली में बहुत बढ़िया माहौल लग गया, बहुत बढ़िया। अच्छा, हाँ, क्या लग गया? इसका क्या लग गया भाई? लग गया क्या बताया? क्या पूछा? नरवाल जीतेगा? दीप नरवाल 30,000 वोटों से जीतेगा। हल्के में कोई विकास नहीं हुआ, विकास के नाम से जीतेगा ये। अच्छा, हल्के के बवानी खेड़ा हल्के का विकास के नाम से प्रदीप नरवाल जीतेगा, न कि बाहर के उसे। सर्व हल्के में काम कराने के लिए बढ़िया लड़का है दीपेंद्र हुड्डा की, पर उसमें सरकार बनेगी। दीपेंद्र हुड्डा जी ने क्या आश्वासन दिया? दीपेंद्र हुड्डा ने जो आश्वासन दी है वो बहुत बढ़िया दी, किसानों के बारे में, महंगाई के बारे में, जो किसी ने जो नेता ने आश्वासन दिया है वो आश्वासन से सब पब्लिक हम बहुत खुश हैं। अभी पब्लिक के लिए ये किया जाएगा वो हम बहुत खुश हैं, इसलिए हम भाई प्रदीप नरवाल को काफ़ी वोटों से विजय कराएंगे विकास के नाम से। राम राम राम। ठीक हो? हाँ ठीक भाई। तो क्या लगा, क्या माहौल लगा आपने? माहौल न्यू लगा, कांग्रेस एक तरफा से है और प्रदीप नरवाल बहुत बढ़िया पढ़िया लिखा, और भाई भारी उम्मीदवार हो गए, वो भारी नहीं, भारी भारी करे थे शुरुआत में, तो आज देखा पूरे भारी। तो मैंने एक बात बताऊ, यो वाराणसी से जाके जीत्या, यो उड़ा जमा था, यो तो जमा था कि अपना प्रधानमंत्री, यो तो गुजरात का से, वो उड़ा जाके कुकुर लड़े से भाई। तो इसका उम्मीद है प्रदीप नरवाल, प्रदीप नरवाल 30,000 वोटा से जीत रहा। हाँ जी अंकल जी, राम राम। राम राम जी साहब, ठीक है, मैं कप्तान सुरेश गोयत हूँ। अच्छा जी। मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ, और आज ये जो प्रचंड बहुमत ये आपको दिख रहा है, ये निशान है कि भाई प्रदीप नरवाल 35,000 वोटों से आज 22,000 से 23,000 वोटर यहाँ बैठे हुए थे। आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं, सर्व समाज के थे, सर्व हितकारी काम करेगा, युवा है, पढ़ा लिखा है, और सारी चीज़ों में जानकारी है, और ना विनम्र है, और जो सारे जितने एक इंसान में गुण होने चाहिए वो सारे हमारे भाई प्रदीप नरवाल में है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हल्के में ही नहीं, पूरे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की लहर है, पूरे की पूरी हरियाणा की सरकार जाने वाली है, कांग्रेस की सरकार आने वाली है। वन साइड जीतेगा भाई, वन साइड जीतेगा। कितने वोटा जीता दो? धनाना तो क्या? 25,000 धनाना तो आप नहीं, कुंगड़ से। कुंगड़ से? कुंगड़ से। अच्छा, क्या माहौल लगे आज की रैली देख के? बढ़ेंगे आज की रैली। राम राम। ठीक से तो आज दीपेंद्र हुड्डा की रैली में आए थे, किसी के लागे रैली? बढ़िया भाई, जिता दे होगी। और अच्छा काम था, बड़ी तो आज दीपेंद्र हुड्डा की रैली थी, पूरे पूरा जनसला वो मर रहा था कि लागे रैली देखी? रैली देखी तो भाई घना बढ़िया लग गया। अच्छा, भले नुका कर दे, बारी है बारी, ये भी क्या लग गया? ये तो भाई बोनी हल्का का ही बारी को नहीं। ये पे जीता दे, बड़ी वाली तो कितने वोट जीता दे? बड़ी वाली तो एक तरफा है, एक तरफ। हां, बीजेपी पिन दे ना इनको एक फातर है। हां, सारी कांग्रेस का गाने तो कितना फर्क पड़ेगा? सारा दीपेंद्र तो पड़ेगा फर्क ही। अच्छा, दीपेंद्र के वोट कहेंगे इसके भाई, फर्क है इसका। धन्यवाद। राम राम। राम राम भाई, ठीक हो? बहुत बढ़िया। कैसी रही रैली आज की? बहुत अच्छी रैली देखी नहीं आपने? मन्नत देखी आप भी? खूब तोड़ की रैली बैठ गई। फिर क्या अंदाजा लगा? अंदाजा लगा दिया। कितने वोट जीत जाओगे? कांग्रेस 70 पार है। 70 पार? और बवानी खेड़ा की बात करा है, बवानी खेड़ा आप जिताओ, लेके आओ। हाँ जी नमस्कार, ठीक हो? हाँ बढ़िया भाई। आप कहाँ से आए? मैं तो भाई भी बड़ेसरा गांव से। बड़ेसरा गांव से। तो आज रैली में दीपेंद्र हुड्डा के विचार सुने के कुछ लगा? कांग्रेस की जीत है भाई। अच्छा, अगर बवानी खेड़ा की बात करा तो दीपेंद्र हुड्डा सीएम बनेगा। अच्छा, बवानी खेड़ा में देख लिया भीड़ कितनी है, कुर्सी वोटा था, मान लो कम से कम 50,000 वोटा जीतेगा प्रदीप नरवाल। हाँ जी भाई, हेलो, ठीक हो? ठीक है भाई सब, बिल्कुल बढ़िया। कैसी लगी रैली? बढ़िया, बिल्कुल टॉप की रैली है, 22,000 आदमी आ रहे हैं। वोटा जीत जाए प्रदीप नरवाल 25,000 थे। हाँ जी भाई, राम राम। ठीक हो? ठीक ठाक। तो आज आप बवानी खेड़ा में आए, गांव धनाना है सबसे बड़ा गांव है, तो दीपेंद्र हुड्डा जी भी आए थे, किस आईने से? प्रदीप नरवाल बड़े भारी वोटों के साथ जीत रहे हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार बन रही है, लोगों के काम होंगे, प्रत्येक वर्ग सुरक्षित होगा। भाई दीपेंद्र हुड्डा जी आज प्रदीप नरवाल जी के वोटों के लिए अपील करने के लिए आए थे, आपने देखा किस प्रकार से भीड़ थी, लोगों के अंदर उत्साह है,
आने वाली 8 तारीख के अंदर नतीजे आएंगे। नतीजों के अंदर आप देखोगे कि प्रचंड बहुमत के साथ हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। हांजी भाई जी, बिल्कुल भाई प्रदीप नरवाल जिंदाबाद, बारी मतों से जीत रहे। ठीक हो? ठीक ठाक भाई। कौन सा गांव से आए भाई? धनाना गांव। धनाना गांव है। हाँ भाई, तो आज रैली में आए दीपेंद्र हुड्डा के लग गए भाई, आपने भी देखा है। बाकी बहुत ज्यादा भाई प्रदीप नरवाल का जो समर्थन भाई ने मिला है जोर शोरों से, इतना मान नहीं रहे थे, उससे हद से ज्यादा मिल गया मेरे भाई। कितने वोटों से जीत जाओगे भाई? लगभग 50,000 वोट तक मेरा भाई जीतेगा। 50,000 वोट, फिर तो मंत्री बनाओगे भाई? मंत्री तो देखे, वो तो बात है के मेरे भाई सुने के मेरे भाई अपने हल्के ने सोने सा चमकाऊगा। और इस धनानिए की जबान है मेरे भाई, यो बुआनी खेड़ा विधायक नहीं भाई, न मंत्री भी बनवाऊगा। हाँ जी, राम राम जी, राम राम। बहुत बढ़िया जी, आज की रैली को कैसे मानते हो, कैसे देखो यार? आज की रैली बहुत बढ़िया रही है, और आज कांग्रेस के प्रति जो लहर चल रही थी, आज लगभग 25,000 से 30,000 वोटों की लीड के साथ भाई साहब प्रदीप नरवाल जी जीत के निकलेंगे, और बहुत पॉजिटिव माहौल एक बवानी खेड़ा के अंदर बना है। और आने वाला समय है जो कांग्रेस की लहर है, 70+ सीटें लेके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और यही सभी जो पूरे हरियाणा वासियों से मेरा निवेदन है, जो आज आम जनमानस की जो आवाज़ को लेके हुड्डा साहब चल रहे हैं, तो उस आवाज़ को मजबूत करना है, उसी चीज़ को आगे बढ़ाना है। जैसे दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है प्रदीप नरवाल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है कितना इसका फर्क मिलेगा? दीपेंद्र हुड्डा के कहने से कितने वोट आएंगे? इसका 100% इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि बात सही है, ये बात प्रदीप नरवाल की नहीं है, ये बात चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की मान सम्मान इज्जत की बात है। क्योंकि ये प्रदीप नरवाल यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे, यहाँ से दीपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ रहे हैं, और इसी चीज़ को लेके भिवाड़ी की जनता, बोहानी खेड़ा की जनता उसी चीज़ को आगे बढ़ाएगी। और जो लोकप्रियता सांसद की हमारे दीपेंद्र सिंह हुड्डा की है, जो आने वाला समय चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा का आम जनमानस का आने वाला समय है, और एक लहर है, इस लहर की से सभी बह जाएंगे, सारी चीज़ें 70+ सीटें लेके ये प्यार प्रेम सभी हरियाणावासी सभी साथी देंगे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस हरियाणा वासियों से, क्योंकि युवा शक्ति को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, वही एक आम जनमानस को आगे बढ़ाया है भाई साहब ने, और मैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का भी धन्यवाद करता हूँ। थैंक्स। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब, बहुत बढ़िया हो रहा है भाई साहब का। तो मैं उचाणा हल्के से हूँ, तो वहाँ भी बहुत बढ़िया सिस्टम है भाई ब्रजेंद्र का, और भाई साहब का तो कहना ही क्या है, ये तो मेरा क्या है, ये तो वो चीज़ है जो बहुत मुश्किल से मतलब आदमी देखने को, मैं भी आज मिलने के लिए आया इतने दूर से, भाई साहब के दर्शन होने चाहिए। तो यही कहूँगा जी भाई साहब, यही आपको आपके चैनल के उससे दे रहा हूँ भाई साहब, कांग्रेस पार्टी का हाथ मजबूत करें और इसको वोट दें। हाँ जी अंकल, क्या कहेंगे आज की रैली के बारे में? बहुत बढ़िया रैली थी भाई साहब, भारी मतों से जीते गए। हाँ जी भाई, प्रदीप नरवाल बहुत भारी मतों से जीतेंगे भाई साहब। कौन से गांव से? धनाना गांव से ही। धनाना गांव से, क्या हाँ बात, धनाना गांव एक तरफ तो नहीं हो गया अब के बार? बिल्कुल, कांग्रेस की लहर है, और भाई दीपेंद्र हुड्डा की बार भावी सीएम बनने जा रहे हैं, 66 सीट आएंगी कांग्रेस की। बिल्कुल, और भी काफी यहाँ पर समर्थक जो है यहाँ पर मौजूद है, तो बातचीत करवाएंगे एक एक करके सभी से, तो बने रहे। हाँ जी, हाँ राम राम भाई, राम राम, ठीक है भाई। आज की रैली देखिए आपने, क्या लगा भाई? एक तरफा माहौल है प्रदीप नरवाल भाई का, हाँ जीत के उस पर भाई, आज का दिन 20,000 वोट आ गए। लोग तो शुरुआत में क्या करते, भारी भारी है, कोई बात नहीं भाई, 90 सीटा पर दीपेंद्र हुड्डा खड़ा है भाई सामने, और कुछ देखना ही नहीं, दीपेंद्र हुड्डा ने। हाँ बिल्कुल, सिद्ध दीपेंद्र हुड्डा नरवाल ने भी दिया भाई, हमारा हल्का का कैंडिडेट है भाई, भाई बहुत अच्छा भाई है, बहुत बढ़िया है, सचिव रेड़ा है भाई, बाहर का तो कोई भी कैंडिडेट ही अपने बात सुन ले जाए, प्रकाश के अपने हल्का का जिला पार्षद बनिया, आज आयु के है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सुनो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गांव संगी कलोई से चुनाव लड़े, वो भी बाहर का है, जयप्रकाश जेपी दलाल वहां से लड़े, वो भी बाहर का है, बाहर का नहीं होता कोई कैंडिडेट भी। बढ़िया प्रोग्राम है, क्या कहना चाहेंगे आज के सही गच प्रोग्राम है, दिखा दे कैमरा मैन को, कहना चाहूंगा भाई दीपेंद्र हुड्डा जी है कैसे अपने समर्थकों से मिल रहे हैं,
और सब जुड़ा ठीक सो क्या कहेंगे आज की रैली को देखकर? आज की रैली को देख के आपको नहीं भी देखा कितना वो था जोश था दुनिया पूरे उसमें पूरे हल्के में पूरे हरियाणा में कांग्रेस को लेकर। इस बार मेरे को ऐसा लगता है कि कांग्रेस की सरकार पक्का नहीं है हरियाणा में। एक बार तो बात तो है पहले प्रदीप नरवाल भी थोड़े घबराए हुए थे, लोग भारी भारी बोल रहे हैं, लेकिन आज उनको भी जो हुआ आज देख के पब्लिक उनके साथ है, कोई दिक्कत नहीं है और उसको जिता के भेजेंगे इसे। ये हमारी युवा है, बुजुर्ग का साथ है, हाथ है और युवा का साथ है भाई। चिंता नगर है, प्रदीप नरवाल जीत का साहब है। अड़ता है मैं दनाने तो हूँ भाई। दनाने कितने वोट है भाई? वोट मतलब नू लाले फुल बहुमत है यार, इतना है एक कसम का। हाँ दनाना एक तरफा हुआ है दनाना यार, दनाना नहीं बुआनी खेड़ा एक तरफा है भाई। हाँ प्रदीप नरवाल वाले साथ है, युवा साथ है, बड़े बुजुर्ग का हाथ है, समझ जाए। धन्यवाद। और भी आप देख सकते हो भाई काफी जाम लगा हुआ है। आज दीपेंद्र हुड्डा आए थे भाई प्रदीप नरवाल के समर्थन में, तो देख सकते हैं फिलहाल पूरा रोड जाम है इस वक्त। तो बने रहे हमारे साथ और बातचीत करवाते रहे। ठीक हो? बढ़िया भाई। क्या कहेंगे आज की रैली को देखकर? भाई साहब आज की रैली को देखकर तो मैं यही कहूँगा कि प्रदीप भाई की एक तरफा जीत है। अगर भवानी खेड़ा के अंदर प्रदीप भाई आते हैं तो छात्रों को बहुत बढ़िया चीज मिलेगी। प्रदीप भाई छात्रों को आगे निकालेंगे भवानी खेड़ा से। क्या उम्मीद है? क्या उम्मीद है नरवाल साहब? उम्मीद भाई साहब आप देख ही रहे हो, उम्मीद तो मैं बता देता, मैं एक गरीब परिवार का हूँ और प्रदीप भाई ने मेरे को NSUI का सबसे पहले जिला अध्यक्ष बनाने का काम किया है। अगर प्रदीप भाई आगे आते तो मेरे जैसे काफी युवा जिनको राजनीति के अंदर प्रदीप भाई लेने का काम करेंगे। ठीक, धन्यवाद। राम राम भाई, राम राम। ठीक सो, बिल्कुल बढ़िया। पहले तो प्रदीप को भरा रहा था, भारी भारी बोला, आज तो पूरा ही काम कर दिया। मेरे पास सुन, हम 5-6 दिन हुए हैं प्रदीप नायक ने सरुदय निगम बनाने दिया हमने। हम खरकड़ी मोड़ से लेकर भिवानी तक का हमारा काफिला था, हजारों गाड़ियों का। दीपेंद्र हुड्डा जी भी आए थे, क्या आश्वासन दे गए भवानी खेड़ा लेके? मजबूत नेता है और दीपेंद्र का छोटा भाई है प्रदीप नरवाल, उसको भारी बहुमत से जिता के ले जाएंगे। भवानी खेड़ा को क्या कुछ अलग देंगे अगर सरकार आती है तो? सरकार आओगी तो सब भवानी दागे हमारे जो कमी रह रही है उन्हें पूरा करवाएंगे। छोरा ऐसा बढ़िया लिया है छाट के, और इससे हमारी पूरी उम्मीद है अगे पूरा खरा उतरेगा। लोग तो नू भी कवाए तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दौड़ रहा होगा हल्का मत दिखाई। यो भवानी खेड़ा में कोठी काटांगे और उड़े रोवांगे और उड़े जनता से मिलांगे। और बोल हाँ जी ताई जी, राम राम। मैं महिला कांग्रेस सेवा दल जिला अध्यक्ष और हरियाणा प्रभारी चेयरमैन। धन्यवाद। ले भाई बोलो। एक तरफा जीत किसकी? दीपेंद्र हुड्डा की। दीपेंद्र आड़े तो कौन और छूट रहे आप? आड़े तो प्रदीप नरवाल। अच्छा जीता होगा। एक तरफा जमा गिर क्या हुआ वोट? कति वोट गिर क्या हुआ? करके कह रहे हैं हम क्यों कह रहे हैं मारता बढ़िया कर रहे हैं। हां जी ताई जी, राम राम। ठीक हो? हां ठीक। तो किसा माहौल लगा आज रैली देख? बढ़िया लगा माहौल तो। अच्छा प्रदीप नरवाल की साख सोरा लग गया? हां एंडी छोरा लग गया। एंडी लग गया जमा की का करम को? अच्छा जमा बढ़िया एक नंबर की। हां दीपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा नु का भाई नरवाल ने बनाओ कोई काम नहीं अटका, तारा पानी का होया कोई योजना हुई अग्निवीर वाली सारी ये कर देंगे। बाल नेता जी लोग शुरू शुरू में वोट लेने खतर झूठे बोले, अगर आपने कितना विश्वास है? हमें तो विश्वास सब है पूरा पूरा दीपेंद्र भाई पे पूरा विश्वास। जितवा दे आड़त है, आड़त पूरा पुआनी खेड़ा हल्का था 30,000 तो ऊपर ऊपर की लीड है कहेगी वो। हाँ जी नमस्कार, कुलवंत बोरा प्रेमनगर गाँव हल्का पुआनी खेड़ा। तो क्या लगता है आज की रैली में जो भाई साहब बोल के गए हैं, पहले बोल रहे थे इसको भारी उम्मीदवार है, ईव हो गए भारी उम्मीदवार और 8 तारीख को हो जाएगा भावी विधायक और बहुत अच्छे मार्जिन से जीत के निकल रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी की लहर चल रही है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी सरकार बनाएंगे। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हर एक आदमी अपने हाथ के हाथ मिला करके अब की बार हाथ पे ही मारो मोर। ठीक हो? बढ़िया भाई। कौन सा काम से? भाई दनाना। दनाना से? हाँ। तो आज दनाना पूरा दिन समर्थन मिला है प्रदीप नरवाल ने, क्या कर रहा है भाई साहब? बहुमत पूरा जीतागाड़ है, पूरी लीड है प्रदीप नरवाल, पूरी लीड है जीतागाड़ यहाँ से। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हो? बढ़िया जी। ठीक हो? हाँ जी बढ़िया जी। आज दनाना में पूरा दिन समर्थन दे दिया प्रदीप नरवाल का, क्या कहेंगे? पूरा जन समर्थन है, पूरा दनाना दनाना नहीं पूरा हल्का इनके साथ है और बहुत बड़ी जीत के साथ ये विधानसभा में पहुंचेंगे यहाँ से।
ये हमारा विश्वास है। वैसे तो रामकिशन फौजी ने भी समर्थन दिया लेकिन आज मंच पे कहीं भी दिखाई नहीं दिए, क्या कहें? कोई बात नहीं, उनको टाइम ही होगा, आ जाएंगे साथ में, आ जाएंगे। तो आपके एक और कांग्रेस के नेता थे सतबीर तेरा, उनको मनाने में कितने कामयाब हुए, क्या बातचीत चल रही है? बातचीत वैसे ठीक है, मान जाएंगे, जिसको आना होगा वो आ जाएगा और जिसको नहीं आना वो ना आए, लेकिन इनका जितना तय है। कितने वोटों से जीत मान रहे खेड़ा के? लगभग 30,000 से। 30,000 जी। हाँ जी, राम राम। राम राम। क्या कहें, पहले तो जनसमर्थन मिला, पहले तो परिचय दे दूं, मेरा भाई मैं भूतपूर्व नगर पार्षद हूँ भिवानी से और यहाँ खाप का उपाध्यक्ष हूँ। आज जो कांग्रेस की लहर चल रही है वो जो कार्यकलाप था, क्रियाकलाप जो भी था इस पार्टी का जन विरोधी था। कहीं किसान बैठे हैं, कहीं हमारी बेटियां बैठी हैं, सुनवाई नहीं हो रही, लोगों में आक्रोश है। और ये जो बच्चा यूं कहा जा रहा था बारी है, बारी नहीं है भाई ये, क्योंकि यहाँ से सोई जगन्नाथ बवानी खेड़ा हल्का से दो बार बने, वही सरवाल से थे जो तो शाम हल्के में पड़ती है। अमर सिंह दाणा के यहाँ से दो तीन बार बने, वो खंडा गाँव, जो लड़का फील्ड में निकला जिसने पार्टी के लिए काम किया, जो भारतीय भारत जोड़ो यात्रा का संयोजक रहा है, और सबसे बड़ी बात जो है शिक्षित है, जो पूर्ण शिक्षित होगा वो समाज को आगे ले जा सकता है। आज की रैली ने ये सिद्ध किया है कि कांग्रेस की आवाज़ चल रही है, ये बच्चा अगले समय जो आने वाला उसमें विधायक बनने जा रहा है। राम राम जी। राम राम, बिल्कुल बढ़िया। तो आज आप आए रैली में, दीपेंद्र हुड्डा भी आए थे प्रदीप नरवाल के समर्थन में, क्या कहेंगे भाई? मैं तो कहूँगा बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम था, बहुत ही जबरदस्त जनसंख्या थी जिसकी कोई हद ही नहीं, और अब की बार कांग्रेस सरकार जो कि बहुत, हाँ बहुत ही जबरदस्त, ये मान लो बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम था, इतनी जनता थी जिसकी कोई हद ही नहीं। बहुत से लोगों ने समर्थन दिया है, बीजेपी छोड़ के कांग्रेस का समर्थन किया है, यहाँ से कम भी 20 ऐसे जो कि यहाँ पे समर्थन दे के गए हैं। कितने वोटों से जीतने की उम्मीद? कम से कम 30,000 वोटों से। 30,000 से जितवा दो? बिल्कुल जी बिल्कुल, पूरा है, बिल्कुल जीतेंगे, इसमें कोई शक ही नहीं है, कोई दो राय नहीं, इसमें बिल्कुल जीतेंगे। हाँ भाई राम राम। नमस्कार भाई साहब, क्या कहेंगे प्रदीप नरवाल और दीपेंद्र हुड्डा के बारे में? प्रदीप नरवाल जी हल्का बुआनी खेड़ा से भावी विधायक हैं भाई साहब, बहुत ही लोगों ने समर्थन दिया है, और अदर पार्टियां छोड़ छोड़ जेजेपी बीजेपी सभी छोड़ छोड़ के भाई साहब का समर्थन किया है। भाई साहब बुआनीखेड़ा के लिए आने वाला भविष्य है, बहुत ही आगे लेके जाएंगे और काम में बहुत ही बुआनीखेड़ा बहुत सबसे ज़्यादा तरक्की करेगा। और दीपेंद्र हुड्डा जैसा कहा यहाँ बुआनीखेड़ा चुनाव प्रदीप नरवाल ने लड़ रहे, यहाँ दीपेंद्र हुड्डा लड़ रहे, इस बात से कितना बुआनीखेड़ा में फर्क पड़ेगा? दीपेंद्र हुड्डा भाई साहब का, भाई साहब अपने छोटे भाई मानते हैं प्रदीप भाई को, क्योंकि वे इसलिए बोल रहे हैं कि भाई दीपेंद्र हुड्डा नहीं प्रदीप भाई ने, मतलब दीपेंद्र हुड्डा ही चुनाव लड़ रहे हैं, प्रदीप भाई नहीं लड़ रहे यहाँ से, इसलिए। साथियों आज हम मौजूद थे बवानीखेड़ा हल्के गांव धनाना में, आपने देखा भारी संख्या में जनसमर्थन मिला प्रदीप नरवाल को, और यहां पर दीपेंद्र हुड्डा जी आए थे और उन्होंने बवानीखेड़ा के लिए काफ़ी अहम घोषणा की है। तो इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय अवश्य दे, और देखते रहे देसी भाईचारा न्यूज़ चैनल, सबकी बात सच के साथ। जय हिंद, जय भारत।